प्रणाम, ए वेरी गुड आफ्टरनून। आमी आपना सबाई के नमस्कार एवं शुभेच्छा जानाई। आज के इस उत्सव में बंगे जननी, इस वंदनीय बंग भूमि पे उपस्थित परमादरणीय चेयरमैन कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर टेक्निकल कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर पोस्टल एवं आईआर कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर फाइनेंस कोल इंडिया लिमिटेड, परमादरणीय डायरेक्टर मार्केटिंग कोल इंडिया लिमिटेड, ईसीएल परिवार के हमारे सभी परमादरणीय एवं प्रिय निदेशकगण, डायरेक्टर टेक्निकल प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग, डायरेक्टर पर्सनल, डायरेक्टर ऑपरेशन, डायरेक्टर फाइनेंस, हमारे प्रिय एवं आदरणीय सभी क्षेत्रों से आए हुए महाप्रबंधक एवं विभागाध्यक्ष, झांझरा परिवार के मुखिया, यहाँ के जनरल मैनेजर और उनकी पूरी टीम, सभी श्रमिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, प्रेस एवं मीडिया के मेरे सभी साथियों और समस्त कोयलांचल वासियों को मैं आदर करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। और आप सब इस शुभ घड़ी में यहाँ पर उपस्थित किए हैं, इसके लिए मैं आपका शत शत नमन करता हूँ, कोटिशः प्रणाम करता हूँ। यह अत्यंत ही सौभाग्य का बात है कि इस वंदनीय भूमि पर हमारे अभिभावक, हमारे अग्रज, हमारे शुभचिंतक के रूप में कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और सभी निदेशक मंडल यहां पर उपस्थित हैं। यह सृष्टि एक चमत्कार है, उस शक्ति का जो अनंत है, अखंड है, निरंतर है और सर्वत्र है। यह ब्रह्मांड रहस्यमयी पलों से भरा हुआ है और इन्हीं रहस्यमयी पलों में जब मैं कुछ आंकड़ों को खंगाल रहा था, जब मैं लोगों से अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पूछ रहा था कि क्या इतिहास में कोई ऐसा क्षण आया है, क्या कोई ऐसा लम्हा रहा है कि किसी मुकाम पे कोल इंडिया लिमिटेड के पूरे निदेशक गण रहे हों, किसी ने अपना 25 साल का अनुभव बताया, किसी ने 30 साल का अनुभव बताया, किसी ने 35 साल का अनुभव बताया, लेकिन उस अनुभव में किसी ने नहीं कहा कि किसी अकेजन पे, किसी मौके पे, किसी मुकाम पे, किसी लम्हे पे कोल इंडिया लिमिटेड की पूरी टीम किसी सब्सिडरी में गई हो। हे श्रीमान, हे श्रेष्ठ, हे वरेण्य, हे इतिहास पुरुष, हम आपको अपने बीच में पा करके अभिभूत हो रहे हैं, अपने आप को हम धन्य महसूस कर रहे हैं और इस धरती को भी सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आप जैसे महापुरुष हमें आशीर्वाद देने के लिए, अपना आशीर्वचन देने के लिए, अपनी शुभकामना देने के लिए, अपनी शुभेच्छा देने के लिए और हमारे गए किए गए कार्यों पर हमें सराहने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। और आपका हर एक आशीर्वाद, आपका हर एक आशीर्वचन मील का पत्थर साबित होगा। और मैं आपको इस पूरी टीम की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी आप मानदंड स्थापित करेंगे, जो भी आप मापदंड स्थापित करेंगे, जो भी आप अपेक्षा स्थापित करेंगे, यह टीम ईसीएल की और यह परिवार आपकी अपेक्षाओं पे जरूर उसके अनुकूल उतरेगा, जरूर खरा उतरेगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। अगर हम खनन के 200-250 साल के इतिहास को जब खंगालते हैं तो 1774 में आप सब जानते हैं कि इसी धरती पर कोयले का पहला टुकड़ा इस देश में निकला था। लेकिन जब उसके उद्भव और विकास की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि इवोल्यूशन का एक डार्विन का थियरी है। और आज ये रहस्यमयी पल ही तो है कि आज है 27 दिसंबर और आज ही के दिन 1831 में डार्विन ने इवोल्यूशन
का जो थियरी है उसको प्रोपाउंड किया था, और उस थियरी में था कि इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट टू सर्वाइव बट इट इज द फिटेस्ट टू सर्वाइव। और दोस्तों मैं आपसे यह गुजारिश करता हूं कि अगर समय का डिमांड इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन है, क्लाइमेट चेंज का प्रोटेक्शन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, तो हमें उसके लिए फिटेस्ट होना है। और अगर आज के दिन को इतिहास में फिर से खंगालें तो 1911 में जब जनगण मन पहली बार गाया गया था तो भी आज ही के दिन 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था, और उसके रचयिता को पुनः एक बार याद करने के लिए कि हम फिटेस्ट बन सकें, हम स्ट्रॉन्गेस्ट भी बन सकें और हम एबलेस्ट बन सकें, उनकी पंक्ति को मैं दोहराना चाहूंगा कि विपदे मोरे रक्षा करो हे नए मोरे प्रार्थना, विपदे अमीना जेनो कोरी भय। हे परमपिता परमेश्वर, मैं तुमसे यह नहीं प्रार्थना करता कि तुम किसी आपत्ति में, विपत्ति में, चुनौती में मेरी सहायता करो, मैं सिर्फ यह प्रार्थना करता हूं कि मेरे अंदर इतना हिम्मत दो, इतना साहस दो, इतना बल दो, इतना धैर्य दो कि हम किसी भी आपत्ति, विपत्ति और चुनौती का सामना कर सके। और उसी परमपिता परमेश्वर से मैं इस परिवार के लिए भी वही धैर्य, वही बल, वही साहस, वही हिम्मत मांगता हूं कि जो भविष्य के गर्भ में छुपी हुई जो भी चुनौतियां हैं हम उसका सामना कर सकें। हम अपने अभिभावक से यहां पर सुनने के लिए आतुर हैं, और हमें मालूम है कि उनका हमारी टीम में विश्वास है, एक ट्रस्ट है, और वो जानते हैं कि अगर कोई कदम उठाएं तो इसको जरूर पूरा करेंगे। शायद यह भी एक रहस्यमय पल, यह भी एक इतिहास ही है कि 5 नवंबर को टेंडर खुलता है और 7 दिसंबर को टेंडर अवार्ड होता है, उसका एलओए होता है, 32 दिन में इतिहास को खंगाला जाए। इस टीम को मैं पुनः बधाई देता हूं इसके लिए, और हमारे मालूम है कि हमारे अभिभावक इसके लिए इस टीम को जरूर अपना शुभकामना देंगे। लेकिन जो हमारा रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीशन है, अब तो जो एक जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, जिस बिंदु पे खड़े हैं, ये वर्क तो अवार्ड होने जा रहा है, लेकिन इसके कंप्लीशन को हम सुनिश्चित करें ताकि जो भविष्य की चुनौतियां उसको हम कर सकें, और मेरा पूरा विश्वास है कि आप जरूर करेंगे। मैं पुनः आप सबका आदर करता हूं, अभिवादन करता हूं, यहां पर आने के लिए धन्यवाद देता हूं, और अपने अभिभावक से सुनने के लिए मैं भी आतुर हूं, इसीलिए धन्यवाद, पुनः प्रणाम।